पंजाब में बरसात और बाढ़ के कारण बिगड़े हालात काबू नहीं आ रहे हैं। एक बस पानी के तेज बहाव में बह गई। स्कूल में छुट्टियां कर दी गई हैं। बारिश तो रुकी है लेकिन खतरा बरकरार है। बाढ़ और बारिश से जुड़ी हर अपडेट हम आपको देंगे आज के इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ कृतिका और आप देख रहे हैं जनभावना टाइम्स। पंजाब में बारिश और बाढ़ की भयावहता को देखते हुए प्रदेश के सारे स्कूलों में 16 जुलाई तक छुट्टियां बढ़ा दी गई हैं। अब स्कूल सोमवार यानी 17 जुलाई को खुलेंगे। शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने कहा है कि बाढ़ के चलते ये फैसला लिया गया है। ये फैसला सभी सरकारी, निजी, एडेड और मान्यता प्राप्त स्कूलों पर लागू होगा। पहले शिक्षा विभाग की तरफ से 13 तक छुट्टियां की गई थी। यही कई इलाकों में पानी इतना भर चुका है कि जिंदगी ठहर सी गई है। हद तो तब हो गई जब PRTC की एक बस पानी के तेज बहाव में बह गई और ये बस चंडीगढ़ से मनाली के लिए चली थी। बस के ड्राइवर का शव बरामद हो गया है, वहीं कंडक्टर की तलाश जारी है। बताया जा रहा है कि 9 जुलाई को बस चंडीगढ़ 43 सेक्टर से मनाली के लिए निकली थी, लेकिन 4 दिन बीत जाने के बावजूद बस जब डिपो वापस नहीं पहुंची तो बस की तलाश शुरू हुई। सोशल मीडिया पर नदी में बह रही बस का वीडियो भी बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। दावा किया जा रहा है कि ये पंजाब रोडवेज की बस है। वहीं फिरोजपुर के हुसैनी वाला बॉर्डर से सटे गाँव झुग्गे हजारा सिंह वाला के पास पुल टूट गया, जिससे करीब 22 गाँवों का संपर्क फिरोजपुर शहर से कट गया है। हरी के हेड से पानी छोड़े जाने के बाद पाकिस्तान सीमा से सटे जिले फिरोजपुर और फाजिलका के दर्जनों गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं और फसलें पूरी तरह से नष्ट हो गई हैं। हालांकि लोगों को एक दिन पहले ही राहत शिविरों में शिफ्ट कर दिया गया था, फिर बड़ी संख्या में लोग वहां पर फंस गए हैं। और भी ऐसी वीडियोस को देखने के लिए आप जुड़े जनभावना टाइम्स के साथ। नमस्कार।